विशेष रूप से चर्चा की जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य सरकार बेरोजगारों को भत्ता देने के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को सरल रखा गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के युवा भी आसानी से इसका लाभ ले सकें। आज दुर्ग रवाना होने से पहले रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार के बजट में बेरोजगारी भत्ता देने के लिए अलग से प्रावधान किया गया है। अभी तक के लगभग 6000 आवेदन आ चुके हैं एक ही दिन में, और ये बेरोजगारी भत्ता इस महीने में जो लोग फॉर्म भरेंगे उसको अप्रैल महीने से ही, 1 अप्रैल से ही उसको दिया जाएगा। तो ये बेरोजगारी भत्ता पहली बार दिया जा रहा है ऐसी बात नहीं है, ये लोग दिए थे तो बहुत जटिल प्रक्रिया और बहुत कम राशि, आय भी बहुत कम, जबकि हमारे समय में इसको बहुत सरल किया गया है और राशि भी बढ़ाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए कोई अंतिम तिथि नहीं दी गई है, बल्कि किसी भी समय ऑनलाइन आवेदन जमा किया जा सकता है। युवाओं